थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सक्सेना साहब के बारे में कुछ कहना तो सूरज को दीपक दिखाना ही है सर। और सक्सेना साहब इस कक्षा में सबसे वरिष्ठ हमको लग रहा है कि अवस्था से भी, अनुभव से भी, और जो ज्ञान चिंतन की गहराई है वो अपने आप में पराकाष्ठा पर है। और महर्षि अरविंदो की फिलॉसफी को लेकर के और सावित्री जैसे महाकाव्य के बारे में कुछ कहना, ये वही कह सकता है व्यक्ति कि जिसका व्यक्तित्व तो उस चेतना पर चला गया हो। और जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि आदरणीय पीएन सक्सेना साहब 2 दशक से ऊपर लगभग 23 से 24 साल हो गए हैं रिटायरमेंट के, इतना ही समय लग गया था महर्षि अरविंदो को कि जो चेतना की इतनी पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए व्यक्तित्व थे उनको ये महाकाव्य सावित्री को लिखने में। और जैसे जैसे चेतना परिष्कृत होती गई, ये चूंकि सार्वभौम ग्रंथ है भारतीय दर्शन का, तो उसको कम से कम 10 से 12 बार में उन्होंने रिवाइज भी किया कि चेतना के विभिन्न स्तरों पर परिभाषाएं बदल जाती हैं। और ये सब चीज यहीं से आकर के हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है। तो चूंकि ज्यादा समय न लेते हुए कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सालों में लिखी गई इस महाकाव्य के ऊपर और 2 दर्जन से ज्यादा सालों का अपना अनुभव रिटायरमेंट के बाद सक्सेना साहब ने जो इसमें गहराई से मन चिंतन दिया है, उन सबका हम लोग लाभ लें और हम सभी इस सौभाग्य के क्षण को आत्मसात करें। आदरणीय पीएम सक्सेना साहब। आदरणीय शर्मा जी और सभी विद्वान, सभी सुधीजन जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, श्री सिंह साहब ने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है। पता नहीं उतना ज्ञान मुझे है भी कि नहीं। श्री अरविंद तो महासागर हैं, शायद उसमें से 2-4 बूंद मुझे ग्रहण हुई होगी, वो मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। पिछले 2 अवसरों पर, पहले अवसर पर श्री अरविंद का प्रारंभिक जीवन, उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा, और 1893 में भारत वापस आने के बाद उनके स्वतंत्रता बाल, ये 3 जो बाल, विपिन चंद पाल, लाला लाजपत राय और 3 लाल बाल पाल, ये जो 3 व्यक्ति थे ये उस समय अग्रिम पंक्ति में थे कांग्रेस में और गरम दल में। तो श्री अरविंद भी इनके साथ प्रारंभिक दिनों में उस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे, एक क्रांतिकारी के रूप में गरम दल के सदस्य थे। उस विषय में भी पिछले संबोधनों में प्रकाश डाल चुका हूं। उसके अगले चरण जो दूसरा था उसमें उनकी योग साधना के बारे में चर्चा हुई थी और उनकी साधना का जो केंद्रीय विचारधारा थी, जो एवोल्यूशन पर बेस्ड थी, उसके बारे में भी मैंने बताया था। आज का जो विषय है उनकी सर्वोत्कृष्ट उनकी बुक, किताब है साहित्यिक, महाकाव्य सावित्री, वो आज चर्चा का विषय है। शर्मा जी, आप 2 नवंबर को भूल से मिस कर गए थे, लेकिन लगता ये है कि वो कोई भागवत योजना थी, कुछ भागवत विधान था कि आप मिस कर गए थे। कारण मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जब आपने मुझे 2 तिथियाँ मेरे समक्ष दी कि मैं कौन सी तिथि, तो मैंने 17 नवंबर की तिथि बिना कुछ सोचे विचारे दे दी थी, निश्चित कर दी थी, और आपने उस पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है,
जिसको हम लोगों ने कॉन्शियसली सचेतन रूप से तय नहीं किया, ये ऑटोमेटिक तय हो गया है स्वतः स्फूर्त। आज के दिन माँ मीरा अल्फांसा ने अपने भौतिक शरीर का, इस मृणमय अंधकारमय देह का त्याग करके प्रवेश किया था चिन्मय देह, सुप्रामेंटल बॉडी। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, ये मेरा और आपका तय हुई डेट पर नहीं है, ये तारीख तय हुई है ऊपर और सावित्री जैसा महान ग्रंथ। अब सावित्री के विषय में, श्री अरविंद के समस्त ग्रंथों में वो पूरी जीवन की साधना का सार है सावित्री। शायद जब वो इंग्लैंड से भारत लौटे थे और महाभारत आदि का अध्ययन कर रहे थे, उस समय ही उनके मन में ये बात आ गई कि सत्यवान और सावित्री का जो कथन है महाभारत का, जो कथा है महाभारत की, उसको आधार बनाकर सावित्री की रचना किया है। और लगभग जब वो बड़ौदा देश में थे तब से ही इसकी रचना प्रारंभ हो गई थी। और इसका जो अंतिम डिक्टेशन दिया गया 72 पंक्तियों का, वो शरीर छोड़ने के लगभग 20 दिन पूर्व 15 नवंबर 1950 के आसपास दिया गया। 5 दिसंबर 1950 को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इसमें निरंतर वो संशोधन करते रहे, जैसे जैसे उनकी जो अनुभूतियां बदलती गईं, बढ़ती गईं, वैसे वैसे वो संशोधन करते रहे। और इसलिए बिल्कुल कहना सही होगा कि उनकी पूरी जीवन की साधना का, उनके सारे ग्रंथों का सार का समावेश इस सावित्री महाकाव्य में मौजूद है। और ये जो महाकाव्य है, श्री अरविंद कहते हैं, इसी सावित्री के संबंध में उन्होंने एक जगह पे कहा है, थिंकिंग इज नो लॉन्गर इन माई लाइन। तो ये जो महाकाव्य है, वाह जग की घटनाओं पर आधारित एक सुविचारित कवि की कल्पना की उड़ान नहीं, वरन एक ऋषि की चेतना में जो सत्य उद्घाटित हुए, जो अनुभूतियां हैं, जो रेवोल्यूशन हैं, उनका शब्दों में पिराया हुआ एक अभिलेख है सावित्री। और इसलिए भी ये पूरे जीवन की साधना का सार है। इसमें एवोल्यूशन भी है, ह्यूमन एवोल्यूशन भी है, साइकोलॉजी भी है, स्पिरिचुअलिज्म भी है, फिलॉसफी भी है, हिस्ट्री भी है, और आगे जो कुछ आने वाला है उसकी उद्घोषणा भी। और इन ग्रंथों को समझने के लिए ये हमें निरंतर ध्यान रखना होगा कि श्री अरविंद के दर्शन की जो आधारभूमि है वो चेतना का क्रम विकास एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। एवोल्यूशन वर्ल्ड 19th सेंचुरी में यूरोप में, जब ओरिजिन ऑफ स्पेसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखी, तब से एवोल्यूशन वर्ल्ड ज्यादा प्रचलित हो गया। लेकिन डार्विन का जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी वो एवोल्यूशन थी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। श्री अरविंद का जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं है, ये चेतना का क्रम विकास है। चेतना का वो क्रम विकास, वो चेतना जो हमारे वैदिक ग्रंथों में क्रम विकास की अवधारणा प्रारंभ हो गई थी, जब एको हम बहुत श्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, उस वो जो अवधारणा है वो बीज था, वो इच्छा थी। उस इच्छा के फल स्वरूप दो तत्व, एक तो ज्ञान तत्व और दूसरा क्रिया तत्व। ज्ञान तत्व पुरुष, क्रिया तत्व प्रकृति। और उससे क्रम विकास का जो क्रम है वो निरंतर जारी है,
और विकसित होने वाला जो जीव है वो अंधकार के आवरण में डूबा हुआ हमारी अंतरात्मा है, जो जिस पर आवरण पड़ा हुआ है और वो निरंतर प्रयास कर रही है ऊपर उठने का, सत से उठकर, असत से उठकर, असत से आगे बढ़कर, असत से इवॉल्व होकर सत की ओर जाना जाने की। और ये इनकॉन्शियंट से सुपर कॉन्शियंट की यात्रा एक अंतहीन यात्रा है, और ये तब तक चलेगी जब तक कि पूरी मानवता सुपर कॉन्शियंट की तरफ नहीं मुड़ जाएगी और एक नई प्रजाति नहीं आ जाएगी। विज्ञान में 19th सेंचुरी के ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लिखे जाने के बाद चार्ल्स डार्विन के 20th सेंचुरी में आए तो उसमें एक और एडिशन हो गया। एक थ्योरी आ गई जिसमें ये माना गया, एक बिग बैंग थ्योरी, कि एक महाविस्फोट से सारी की सारी ऊर्जा एक ऐसे छोटे बिंदु पर थी जिसका कोई माप नहीं था और ऊर्जा अनंत थी। उस ऊर्जा में महाविस्फोट हुआ और उसके बाद रेडिएशन हुए, रेडिएशन से फिर पार्टिकल्स बने, पार्टिकल्स से इनऑर्गेनिक मेटल्स बनी। इस सब का उल्लेख श्री अरविंद ने अपनी पुस्तकों में किया है। यही उसके बाद इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ, फिर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन का अर्थ ये मेटल्स और मैटर आ गया, और उसके बाद धीरे धीरे इस एवोल्यूशन के अंतर्गत बायोलॉजिकल एवोल्यूशन शुरू हुआ। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का हम सब उसका पार्ट है, और ये जो यात्रा है चेतना की, निश्चेतन से परम चेतन की ओर, इसमें मानव उसका अंतिम पड़ाव नहीं है, एक ट्रांजिशनल स्टेज है, संक्रमणशील सोपान है, एक मिडिल टर्म है उस एवोल्यूशन का, अन्नमय प्राणमय इन स्तरों से होते हुए हमारी चेतना आज मनोमय स्तर तक आ पहुंची है। एवोल्यूशन की प्रोसेस कोई रोक नहीं सकता, ये प्रोसेस ऊपर से ऑर्डेन्ड है। अगले चरण में उसकी भावी नियति दुख, व्याधि, जरा व मृत्यु से पीड़ित इस मनोमय सत्ता का रूपांतरण। अब अगली ये स्टेज विज्ञान में पुरुष, जिसको नॉस्टिक बीइंग कहा है शेरविन ने, जहाँ की त्रिपापों से हम मुक्त हो जाएंगे, ये उसकी अगली स्टेज है। इसे शेरविन की, ये शेरविन की घोषणा है। 400 साल सकते हैं, 500 साल लग सकते हैं, 1000 साल लग सकते हैं, लेकिन ये उसकी अगली नियति है। अरविंद का कथन है कि इस रूपांतरण का व भावी मानव के आविर्भाव का कि घड़ी अब आ पहुंची। सावित्री में भविष्यवाणी करते हैं, मैं हिंदी ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ, जब विज्ञ एंड वाइज मैन वाद विवाद में डूबे हुए होंगे, नींद में होंगे, तब उनके अंतर में प्रभु विकसित हो रहा होगा। मानव इसके आगमन का मुहूर्त जान नहीं पाएगा जब तक ये कार्य संपन्न नहीं हो जाता है। उसे विश्वास भी नहीं आएगा, इस परिवर्तन को विरले ही देख पाएंगे, क्योंकि इसे कोई समझा नहीं। नेचुरल है, हमारा जीवन इस अगणित वर्षों के जीवन में छोटा सा बुलबुला है, महान समय के एक महाकाल के प्रवाह में एक बहुत छोटा सा बुलबुला है जिसने एयर को अपने में समेट करके एक शेप ले ली है। हम पूरे एवोल्यूशन को समझ नहीं सकते, हमारी मानसिकता, हमारे जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं, हमारी जो ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेंद्रियाँ हैं, ये सब की सब इनकी अपनी सीमाएं हैं। हम एक सीमा के अंदर आवाज़ सुन सकते हैं, हम एक सीमा के अंदर दूरी में देख सकते हैं, लेकिन इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट के बियॉन्ड हम देख नहीं सकते।
इसी तरह सर्टेन हर्ट्स के अंदर, फ्रिक्वेंसी के अंदर हम वॉइस को हम सुन सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो बियॉन्ड वॉइस है, जो आवाज़ है, जो साउंड है, उसको हम सुन नहीं सकते। और हम इन जो हमारी सीमित ज्ञानेंद्रिया है, इनके द्वारा जितना ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं इस मटेरियल बॉडी में, हमारे माइंड में, केवल हम उतना जानते हैं। चेतना के वो स्तर जो हमसे बहुत ऊपर हैं, उनके बारे में हमारा ज्ञान नहीं है। जो स्तर बहुत नीचे हैं, वो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो इनकॉन्शियंट पार्ट है, उस 90% में सब कुछ संग्रहित है, लेकिन उसको भी हम नहीं जानते। हम केवल 10% हमारी चेतना है, सारा का सारा हमारी एक्टिविटी उसके अंदर सीमित रहती है। श्री अरविंद ने सावित्री का अंग्रेजी का पढ़ने का जो सुख है वो अलग है बिल्कुल। मैंने 4 लाइनें कोट की थी हिंदी में, अब मैं उसका अंग्रेजी में 4 लाइनों का रिपोर्ट रूपांतरण दे रहा हूँ। ए फ्यू शैल सी व्हाट नन अंडरस्टैंड्स, गॉड शैल ग्रो अप व्हाइल द वाइज मेन टॉक एंड स्लीप। हम आप बातचीत करते रहेंगे, सोते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन चुपचाप हमारे अंदर भागवत सत्ता जो है वह ग्रो अप करती रहेगी। फॉर मैन शैल नॉट नो द कमिंग टिल इट इज इट्स आवर एंड बिलीव शैल बी नॉट टिल द वर्क इज डन। जब तक ये हो नहीं जाएगा तब तक हमें विश्वास भी नहीं आएगा। इस महाकाव्य में सावित्री का जो वर्णित सावित्री का जो मानव पिता है वो अश्वपति है, और उसका की जो साधना है वो आरोहण के योग की साधना कहलाती है, असेंट। और ये असेंट मानव मन के अंदर, मानव की जो मेंटल कॉन्शियसनेस है उसके अंदर एक नेचुरल अभिप्सा है, ह्यूमन एस्पिरेशन है, और हम सब वो एस्पिरेशन ठीक उस तरह से काम करती है जैसे किसी घोड़े को इस पर करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और उसकी जब तेज हो जाती है वो मानव अभिप्सा एक स्वतः स्फूर्त हमारे अंदर है, और उसके उसके ही कारण हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो हम उस ओर उन्मुख उस ओर जाते हैं, वो उसकी उसके ही कारण उस ओर हमारा इंक्लिनेशन होता है और आगे वो बढ़ते हैं। तो ये जो पशुपत के आरोहण का योग है की साधना है उसमें वो ह्यूमन एस्पिरेशन है और उस तप का वो प्रतीक है। और जो सावित्री है वो मानव रूप में अवतरित देवी सावित्री है, और उसकी जो योग साधना है वो अवरोहण की साधना है, डिसेंट की साधना है, नीचे से आत्मा जीवात्मा अभिप्सा कर रही है अपनी मोक्ष की, अपनी मुक्ति की, और ऊपर से माँ भगवती अनुकंपा की वर्षा कर रही है उसको आगे बढ़ने के लिए, सहायता देने के लिए। तो सावित्री के जो अवरोहण की साधना है वो माँ भगवती के अनुकंपा का प्रतीक है। ये मानवता के भावी रूपांतरण का दिशा रूट मैप है, जो सावित्री में वर्णन है वो एक्चुअली रूट मैप है उस फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का जिसका समय अब आ गया है। पांडिचेरी का जो प्रवास था उसमें शेरविन की साधना का उद्देश्य उस अतिमानसिक चेतना को धरती पर उतार कर विज्ञानमय पुरुष के साम्राज्य की स्थापना करना था। मैं हिंदी के वर्ड्स क्लियरली अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय इस सब को हम लोग हमारी जो आध्यात्मिक शब्दावली है ये शब्द आते हैं उसमें, इसलिए श्री अरविंद ने जो कुछ लिखा है उसको ऐसा न समझें कि हम उसको समझ नहीं सकते, मेंटली जो समझ सकते हैं भले उस अद्भुत की गहराइयों को हम न जाने। ये जो बृहद ग्रंथ है
इसमें कुल 23,813 पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां 3 खंडों में 49 सर्गों में व 12 पर्वों में विभाजित है। मेरे पास इसकी बहुत पुरानी जो फर्स्ट एडिशन था 1954 का, उसका मूल संस्करण है, उसमें 814 पेजेस है, अब तो थोड़ा सा चेंज कर दिया है उन्होंने। उसमें अश्वत्थ का जो योग है 22 सर्गों में और 370 पृष्ठों में वर्णित, और इसे राजा का योग, नृप का योग कहा गया है, राजा था राजा अश्वपति। इसका जो कथानक है व इसके पात्र हैं वो महाभारत के आरण्यक पर्व के अध्याय 277 से 283 में वर्णित सावित्री सत्यवान का जो उपाख्यान है उससे लिए गए हैं। महाभारत में जो उपाख्यान है सत्यवान सावित्री का, वो उसका आधार पतिव्रत महात्म्य है कि एक पतिव्रता स्त्री में कितनी शक्ति होती है, और ये कथानक आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सावित्री की जन्मतिथि मानते हुए भारतीय स्त्रियां अपने पति को दीर्घायु होने की कामना करते हुए वट सावित्री का व्रत धारण करती। इस कथा के जो प्रमुख पात्र हैं वो है सावित्री, सावित्री का मानव पिता राजा अश्वपति, सत्यवान, सत्यवान का नेत्रहीन व अपने राज्य से निर्वासित पिता राजा द्युमत सेन। चार तो ये पात्र हैं जो मानव हैं। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण पात्र हैं, देव ऋषि नारद व मृत्युदेव। ये दोनों स्थूल देह भारी मानव नहीं। श्री अरविंद ने अपने इस ग्रंथ को सावित्री एक पौराणिक गाथा प्रतीक सत्य नाम दिया है। सावित्री लीजेंड एंड सिंबल। वैसे तो पौराणिक गाथा के बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों को मालूम ही होगा, बड़ी कॉमन है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से पूर्व मैं इस कथा को बता देना, उसकी समझता हूँ, सुना देना। ये कथा मार्कंडेय ऋषि ने वर्तमान सातवें मन्वंतर में द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। मार्कंडेय ऋषि को ये वरदान था महादेव जी का कि वो अमर रहेंगे, और ये वरदान उनको प्रथम मन्वंतर में मिला था। 6 मन्वंतर तक वे निरंतर समाधि में थे। 7वें मन्वंतर में जब वो जागे हैं तब उन्होंने ये कथा महाभारत में जो वर्णित है ये युधिष्ठिर को सुनाई थी। ये कथा जो महाभारत में जो वर्णित कथा है उसके अनुसार अश्वपति मध्य देश का एक प्रतापी शासक था। अरविंद आश्रम के विद्वानों के अनुसार आज क्या जो अफगानिस्तान है वो उसका राज्य में था, राज्य था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने 18 साल से तपस्या की, अनुष्ठान किए। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री साक्षात प्रकट की, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर और अश्वपति को ये वरदान दिया कि उसको एक दिव्य कन्या की प्राप्ति होगी और जो सावित्री का ही अंश होगी। कुछ समय बाद अश्वपति की जो महारानी मालवी थी उन्होंने एक सुंदर कन्या का जन्म दिया और ये उनका वरदान था। ये देवी सावित्री का वरदान था जिसके फलस्वरूप यह कन्या उनको प्राप्त हुई थी। ये कन्या पूर्ण युवती तब हुई तो इतनी अलौकिक सौंदर्यमयी थी, प्रतिभाशाली थी, तेजस्विनी थी कि कोई राजकुमार उससे विवाह का साहस नहीं कर पा रहा था। अंततः अपने पिता की अनुमति से एक स्वर्ण रथ पर सवार होकर वो वर की खोज में निकल पड़ी।
देश विदेश वन प्रांतों में होती हुई वो एक ऐसे वन में पहुंची जहां उसकी भेंट शालोदेश, ये शालोदेश डिटरमिन किया है अरविंद आश्रम के ही विद्वानों ने कि ये वर्तमान राजस्थान है। इसका राजा था जो नेत्रहीन था और निर्वासित हो गया था, राजा द्विमत सेन, सत्यवान उसका पुत्र था। सावित्री ने पहली दृष्टि में ही सत्यवान को पति के रूप में मान लिया। जब ये वन प्रांतों से उस भेंट के उपरांत सत्यवान से लौट के पिता के राजप्रसाद में आई, उन्होंने अपने इस निर्णय से अवगत कराया। उस समय अशुपति के पास त्रिकालदर्शि देवऋषि नारद मौजूद थे। उस निर्णय को सुनकर कुछ दिन देख लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने ये बताया कि जब सत्यवान सर्वगुण संपन्न है परंतु एक वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी, अतः ये विवाह उचित नहीं। सावित्री के माता पिता इस भविष्यवाणी को सुनकर स्तब्ध हो गए। उन्होंने सावित्री से दूसरा वर चुनने के लिए कहा, परंतु वो अपने निर्णय पर अटल रही। अंततः अशुपति ने उसका विवाह सत्यवान से संपन्न कर दिया। सत्यवान के माता पिता व स्वयं सत्यवान आगामी नियत से अनभिज्ञ थे, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। सावित्री सत्यवान के साथ वन में रहकर साधारण जीवन व्यतीत करने लगी, लेकिन उसको सब ज्ञान था, हॉन्ट कर रहा था उसके माइंड में ये सारी की सारी जो स्थिति। अंततः सत्यवान की मृत्यु का निर्दिष्ट दिवस आ गया। 3 दिन पहले से सावित्री ने निर्जल निराहार रहकर गहन ध्यान मुद्रा में महाव्रत रखा। 4th दिन प्रातःकाल जब सत्यवान लकड़ी काटने वन जा रहा था, माता पिता की अनुमति लेकर वो भी साथ हो ली। वन में कुल्हाड़ी चलाते समय सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा हुई और अचेत होकर बिखरा। सावित्री ने देखा कि युवराज अंगुष्ट मात्र पुरुष को सत्यवान के शरीर से निकालकर यमलोक की ओर ले जा रहे हैं। सावित्री उसके पीछे पड़ी चल पड़ी। यमराज के मना कर भी करने पर भी वापस नहीं लौटी। यमराज सावित्री से वार्ता के अंतर्गत उसके अनन्य प्रेम भक्ति बुद्धिमत्ता विवेक से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने 4 वर उनको प्रदान किए। पहला वर था सत्यवान के पिता द्विमत सेन के नेत्रों को ज्योत की वापसी व खोए हुए साम्राज्य की पुनः प्राप्ति। दूसरा वर था सावित्री के पिता अशुपति को 100 पुत्रों की प्राप्ति। क्रम देखें, पहला अपने अपने ससुर के लिए है वर, और दूसरा अपने पिता के लिए, तीसरा है अपने लिए और सत्यवान के लिए। सावित्री के पिता सत्यवान के पुत्रों की प्राप्ति बाद तीसरा वर है सत्यवान व सावित्री को 100 पुत्र, और चौथा वर है अब सत्यवान सावित्री को 100 पुत्र तब तक प्राप्त नहीं हो सकते थे जब तक कि उसका चौथा वरदान सत्यवान का पुनर्जीवन न मिल जाता। अंततः यम देव ने उसको ये चौथा वरदान भी प्राप्त दे दिया। सावित्री ने सत्यवान के निर्जीव शरीर में प्राण प्रतिष्ठा की, उसे जीवित किया और घर लौट आई। लौट के आने के बाद उसने देखा कि सारे जो वरदान उसे प्राप्त हुए थे वो सब घटित हो गए थे। ये है कथा का पार्ट जो कि महाभारत में है। अब मैं आता हूँ उसकी सिंबॉलिज्म पर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये सिंबॉलिज्म, इसके ही पात्रों को सिंबॉलिक बनाकर श्री अरविंद ने सावित्री की रचना की। सिंबॉलिज्म है क्या? आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से हम प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते आए हैं। कभी वो चित्र होते हैं, वो लिपियां होती हैं। हमारी जो वाणी है वो भी अपने अंदर के सूक्ष्म तत्वों को जो अभिव्यक्त करती है
उस अभिव्यक्त का ही प्रयास हमारी वाणी, ये वाणी भी वास्तव में प्रतीक है हमारे अंदर जो हमारी अनुभूतियां होती हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारे जो विचार होते हैं, उनका ये वाणी, ये लिपि, ये सब कुछ प्रतीक ही है। इवन हमारा जो नाम है, जैसे जब श्री अरविंद शर्मा जी की बात होती है तो शर्मा जी की पिक्चर हमारे सामने आ जाती, मेरा पीएम सक्सेना नाम होता है तो आपके दिमाग में मेरी पिक्चर आ जाती है। हमारा जो नाम है वो भी हमारा प्रतीक है, ऐसा ही प्रतीक राष्ट्रध्वज है हमारा तिरंगा। जब तिरंगे की बात करते हैं तो ये राष्ट्रध्वज का प्रतीक होता है। हम प्रतीकों के माध्यम से बात करते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें जो भागवत सत्य हैं उनको भी अक्सर और प्रायः प्रतीकों के माध्यम से बहुत उच्च सत्यों को व्यक्त कर दिया गया है। भागवत की रास पंचाध्यायी में वर्णित जो कथा है गोपियों का महारास, वो एक प्रतीकात्मक कथा है। वो सामान्य जनजीवन की बात नहीं है, जहां गोपियां आत्मा का प्रतीक है, इंद्रियों का प्रतीक है भगवान कृष्ण भागवत सत्ता। वेदों में गौ शब्द का जो प्रतीक है प्रकाश का, वह इंद्रियों का। अश्व शब्द, ये वो शब्द हैं जो कि सावित्री में प्रयोग हुए। अश्व ऊर्जा व शक्ति का प्रतीक है। आकाश अनंत सर्वव्यापी ब्रह्म का प्रतीक है। सूर्य अति चेतन प्रकाश व दिव्य विज्ञान का प्रतीक है। आप श्री यंत्र के बारे में जानते हैं, ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, ज्यामितीय आकार है, और जो एक प्रतीक है आध्यात्मिक आध्यात्मिकता का। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमारा ये भौतिक शरीर स्वयं भी उच्चतर तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम व प्रतीक है। शरीर जब प्राण निकल जाते हैं, शरीर पड़ा रह जाता है, लेकिन जब शरीर निकल जाता है हमारे अंदर से, शरीर तो पड़ा रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये शरीर भी अभिव्यक्त करता है हमारे अंतःकरण की जो चार मन बुद्धि चित्त अहंकार और उच्चतर तत्व आत्मा है, उस सब का ये भौतिक प्रतीक, ये प्राकृत सत्ता है। लेकिन ये प्राकृत सत्ता उच्चतर सत्ताओं का ही प्रतीक है। हम प्रतीकों में ही जीते। अरविंद ने अपने काव्य महाकाव्य इस प्राचीन उपाख्यान के पात्रों को आध्यात्मिक जगत के प्रतीकों का रूप प्रदान किया है और उसके माध्यम से अपने आध्यात्मिक जीवन के अंतर हुई गहन अनुभूतियों का काव्य में वह बड़ा सजीव चित्रण किया है अपनी इस महाकाव्य सावित्री ने। अब हम ये तो सिंबॉलिसिज्म हुई, सिंबॉलिसिज्म का अर्थ हुआ, अब वो ये जो काव्य के ये जो कथानक के पात्र हैं उनकी सिंबॉलिज्म है क्या। मैं पहले वर्ड सावित्री से स्टार्ट करता हूँ। सावित्री एक डिवाइन वर्ड है, एक दिव्य शब्द है। इसकी निष्पत्ति शब्द सवित्र से हुई। सवित्र शब्द स्वयं सु धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है जन्म देना। इस प्रकार सवित्र का अर्थ है दिव्य सृष्टा, डिवाइन क्रिएटर। एक अन्य शब्द है सोम। इस शब्द की व्युत्पत्ति भी सुधातु से हुई। आप देखें सावित्री और सोम दोनों सुधात से उत्पन्न शब्द हैं, और इस सोम का अर्थ है, सावित्री का अर्थ है जन्म देना, और सावित्री जो है वो दिव्य सृष्टा का प्रतीक, और सोम सोम उल्लास को प्रदान करने वाला एक पेय पदार्थ का द्योतक है, और वो इंगित करता है, वो प्रतीक है आध्यात्मिक आलंद आह्लाद व आनंद का प्रतीक। आपने
उपनिषद तैतरीय उपनिषद का कभी ये बात सामने आई होगी उसका अध्ययन करते समय, आनंद से ही समस्त भूत उत्पन्न होते हैं, आनंद के द्वारा ही ये जीवित रहते हैं, जाते हैं। इस तरह से सजन डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस, श्री अरविंद ने एक चैप्टर लाइक डिवाइन में है डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इस तरह से सावित्री और सावित्री सृष्टा है, ये सूर्य की पुत्री आप जो लोग इससे जुड़े हुए हैं आपके हमारे महर्षि गुरुदेव आचार्य शर्मा जी से उनके साहित्य में सावित्री और गायत्री का विशद वर्णन है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो सावित्री जो है वो सूर्य से अवतरित है, दिव्य सृष्टा सूर्य की परम प्राप्त शक्ति है, परम शक्ति की देवी। इस काव्य में वो सर्वगुण सर्वगुण संपन्न राजकुमारी मात्र नहीं है, वरन परमात्मा के अनुग्रह की अभिव्यक्ति है। वो सत्यवान की केवल पत्नी नहीं है, वरना अदरवाइज वो वास्तव में भगवती भगवत जननी का अवतार है। उसका जन्म इस जगत में दैवी सहायता के लिए अश्वपति की तपस्या व उत्कट अभिप्सा के प्रत्युत्तर के फल स्वरूप हुआ है। मानवीय रूप में उसका अवतरण का उद्देश्य पृथ्वी पर व्याप्त अंधकार एवं मृत्यु की जो शक्तियां हैं उन पर मानव को विजयी होने में समर्थ बनाना है, मानव के अज्ञान एवं दुख का भार वहन करने में वो उसकी भागीदार है, सत्यवान की भागीदार है वो। और सत्यवान रूपी आत्मा का जो जंगल में थी, सत्यवान रूपी आत्मा को जीवन के जंगल और मृत्यु के पाठ से मुक्त कर हमारी प्रकृति में दिव्य साम्राज्य की स्थापना करना उसके आगमन का उद्देश्य। ये है प्रतीकात्मकता सावित्री की इस काव्य में। अब हम सत्यवान पर आते हैं। सत्यवान और कोई नहीं है, सत्यवान तो हम स्वयं हैं। सत्यवान हमारी अपनी चैसे सत्ता का अंगुष्ठ मात्र अंतरात्मा का प्रतीक है। ये जड़ तत्व में परमात्मा के अंश की प्रथम अभिव्यक्ति है, जड़ तत्व में प्रवेश हुआ है उसका। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया है, ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। सत्यवान का अर्थ है अपने अंतर में सत्ता के दिव्य सत्य को धारण करने वाला। सत्यवान अपने अंतर में सत्ता के दिव्य सत्य को धारण करने वाला सत्यवान। पृथ्वी तत्व में मैटर में अन्न कोश में ये पृथ्वी की आत्मा है, ये जगत का जो पुरुष है, ये हमारी इस स्थूल शरीरगत व प्राणमय सत्ता में विराजमान ज्योतिर्मय देव है। ये सामान्य नहीं है, ये ज्योतिर्मय देव है। गीता में भगवान कृष्ण ने मन को भी ये कहा है कि वो उनकी विभूति है। और ये देव जीवन में उतर कर मृत्यु दुख व अज्ञान के पास में जकड़ा हुआ है, अपने में ये अविनाशी है। ये जो त्रिकाल की गति है, भूत भविष्य वर्तमान, इसमें यात्रा करती हुई एक शाश्वतता है, एक एटर्निटी है जो विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। और ये हमारा प्रतीक और उसकी ये यात्रा अनंत है जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम भी, हमारी ये सृष्टि जिसके हम अंग हैं वो अंत नहीं होने जा रही है। इस प्रकार ये सत्यवान हमारा प्रतीक, ये मानव जीवनों में ये इवॉल्विंग साइकिक एंटिटी है जो परम सत्य पाने के लिए श्रम कर रही है, प्रयास कर रही है, साधना कर रही है, तपस्या कर रही है। और निश्चेतना की जो अनंत रात्रि है
अर्धरात्रि है उससे निकलकर पराजय की ओर सुपर कॉन्शियंट की ओर आरोहण कर रही है, ऊपर उठ रही। हम मानवों के प्रतीक इस सनातन सत्य की ये सपत तपस्या, ये श्रम, ये उपक्रम अभी भी जारी है, इसलिए चूंकि हमारी ही आत्मा है। इसकी अनवरत तपस्या से ही क्रम विकास के अंतर्गत जो उच्चतर तत्व हैं वो उतर के नीचे आते हैं, यही उसकी भूमि तैयार करती है। जब तक भूमि तैयार नहीं होगी, जब तक अभीप्सा नहीं होगी, तब तक ऊपर से कपा उसी प्रपोर्शन में, अनुकंपा उसी प्रपोर्शन में नीचे आएगी जिस प्रपोर्शन में अभीप्सा होगी, और ये सत्यवान उसके लिए भूमि तैयार करता है। अब तपस्या का जो अक्रम उपक्रम चल रहा है, इस तपस्या से ही क्रम विकास की जो नेक्स्ट स्टेज है, अंतर्गत जो उच्चतम तत्व है जिसका पृथ्वी पर आरोहण के लिए भूमि तैयार हो रही है, वो है मनोमय के बाद उच्चतर तत्व विज्ञान में। श्री अरविंद ने अपने उसमें इसको नॉस्टिक बीम कहा है। इसके अवतरण की यह अभिप्सा है, और महाकाव्य सावित्री में मानव के प्रतीक का प्रतीक जो सत्यवान है उसका रूपांतरण अभिषेक है। ये मैंने अपने पिछले उसमें तीन रूपांतरण बताए थे, साइकिक, स्पिरिचुअल, सुप्रामेंटल। ये जो सत्यवान है ये उस तीनों रूपांतरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। असत से सत की उसकी यात्रा, और ये जो एवोल्यूशन की प्रोसेस है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, एक सीधे क्रम में नहीं होती कि आप पहाड़ पर सीधे चलते बढ़ते चले जा रहे हैं। जो निम्नतर जो सबसे नीचे का तत्व होता है वो आरोहण करता है, असेंट होता है, उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है, और जो हायर प्रिंसिपल है, उच्चतम तत्व है, उसका डिसेंट होता है। ये डबल मूवमेंट है, नीचे से यह भिक्षा करता है, कहता है एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, मन के दीप जलाऊ मैं, तब ऊपर से अनुकंपा बरसती है, माँ हाथ पकड़ कर उनको उठाती है। ये डबल मूवमेंट है। आरोहणकारी तत्व तो हमेशा सत्यवान है, और अवरोहणकारी अवतार सावित्री, ये प्रतीक आत्मकता है सत्यवान की और सावित्री। अब मैं आता हूं अश्वपति पर, और ये सत्यवान का पिता, जैसा कि मैंने पहले बताया, जब सृष्टि प्रारंभ हुई पहले इच्छा ये हुई, कामना ये हुई कि मैं एक सैनिक हो जाऊं। एक तो ज्ञान तत्व हुआ और दूसरा क्रिया तत्व हुआ। ज्ञान तत्व का प्रतीक पुरुष है और क्रिया तत्व का प्रतीक प्रकृति। अंध मनस्तत्व जो हायर प्रिंसिपल है, डिवाइन माइंड है, ये जब नीचे उतर के अपरा प्रकृति के अधीन हो जाता है तो इसका अतिक्रमण कर ये जो सत्यवान है ये नए तत्व की अधमानसिक चेतना के लिए भूमि तैयार करता है ऊपर उठने के लिए। पृथ्वी का ये जीव पुरुष है, ये इसने समर्पण कर दिया है सावित्री को, और सावित्री का वो आवाहन करता है कि अब मैं तैयार हूं, मैं पूरी तरह से समर्पित हूं, ये हरित वनस्थली पर उतरो, इस हमारी धरती को ठुकराओ नहीं, इसके धरातल को वैभव प्रदान करो। ये सावित्री की लाइन में कोट कर रहा हूं आपको। ये सत्यवान अभिप्सा कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है सावित्री को, सरेंडर करके इस हरित वन स्थली पर उतरो, इस हमारी धरती को न ठुकराओ, इसके धरातल को वैभव प्रदान न करो। एक नॉलेज और दूसरा पावर, ज्ञान और क्रिया। द्युमत सेन
पिता है सत्यवान का, अश्वपति पिता है सावित्री का। सावित्री का मानव पिता अश्वपति, शेरविंद लिखते हैं अपना अपनी रचना के विधान से, इन्होंने लिखा है कि गो शब्द प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है, लाइट एंड एनर्जी, और अश्व चेतना एवं शक्ति के दो, ये दो सहचरी भाव हैं, गो और अश्व, ये दो सहचरी भाव में एक तो लाइट एंड एनर्जी का, प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है, और दूसरा चेतना एवं शक्ति का प्रतीक। ये दोनों इस प्रकार से जो द्युम्नसेन है और अश्वपति है, ये इन दो भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्ञान जो है वो रिचनेस ऑफ मेंटल इल्यूमिनेशन है, मानसिक प्रदीप की विपुलता, तथा जीवनी शक्ति रचना शक्ति की प्रचुरता का प्रतीक। सृष्टि रचना के संकल्प के सबसे पहले दो ही ये तत्व थे, ज्ञान और संचार की रचना की के लिए प्रादुर्भाव इनका हुआ था। सत्यवान का पिता चेतना के एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान पक्ष का प्रतीक है द्युमत सेन। द्युमन का अर्थ है प्रकाश, सेन का अर्थ है आतिथेय, द्युमत सेन अर्थात तो दिव्य प्रकाश की किरणों से भरा हुआ दिव्य मन, दिव्य मन का प्रतीक हुआ द्युमत सेन। अब ये जो दिव्य मन था, मैंने पिछले उसमें बताया था, एक परार्ध है एक अपरार्ध है। अपराध मन प्राण और शरीर का हमारा जो अस्तित्व है जिसमें हम जीते हैं, ये अपरार्ध है, ये अपरा चेतना अपरा प्रकृति के अधीन, और इसके ऊपर परार्ध है सच्चित आनंद। ये दिव्य मन अपरार्ध जगत में आकर अज्ञानमयी अंधकारमयी व मरण धर्मा धरती पर उतर कर अपरा प्रकृति के अधीन हो गया है। अपने ज्ञान चक्षुओं को खोकर वो दिव्य ज्ञान के अपने साम्राज्य से अश्वशाली जो साम्राज्य था अश्वशाली उससे निर्वासित हो गया है। राजा द्युमत सेन जो राजस्थान का राजा था अंधा होकर निर्वासित हो गया है, ये कथा है, लेकिन उसका प्रतीक ये सावित्री। महाकाव्य में जो सावित्री का मानव पिता है वो अश्वपति चेतना की शक्ति पावर एस्पेक्ट है, वो ज्ञान का एस्पेक्ट है और ये पावर का एस्पेक्ट है, पावर पावर टू क्रिएट, ये उसका प्रतीक है। गतिशील ऊर्जा का, जीवन शक्ति प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन शक्ति का प्रतीक अश्वपति इंद्रियों का स्वामी है जिसने जीवन की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वो आध्यात्मिक शक्ति एवं प्रकाश का स्वामी है। तपस्या का ऊपर तपस्या 18 साल की तपस्या उसने की है, तपस्या का प्रभु है, उसके आध्यात्मिक प्रयास की केंद्रित ऊर्जा जो सेंट्रल पावर है, उसका जो प्रयास कर रहा है आध्यात्मिक तपस्या है, उसके फल स्वरूप ही हमें मृत्युलेख से अमृत की ओर उठने का वो साधन होगी। ये असेंट है, असेंट असेंट की साधना है। सावित्री के ग्रंथ में राजा के योग के शीर्षक से जो वर्णित अश्वपति का योग है, ये आरोहण का योग है, उसके तीन पार्ट सावित्री में दिए गए हैं। पहला पार्ट है वो उसकी पर्सनल ग्रोथ है, पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो अध्यात्म सिद्धि है इसकी, वो साइको स्पिरिचुअल है, मनोअध्यात्मिक है, और वो पर्सनल है, प्योरली पर्सनल है। उसका अगला चरण है, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता। मोक्ष अरविंद ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मोक्ष के लिए उनकी साधना नहीं है, वो मानव मात्र को ऊपर ले जाना चाहती है। तो अश्वपति वस्तुतः कहा यह जाता है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल है, ये ग्रंथ महाकाव्य ऑटोबायोग्राफिकल है। श्री अरविंद ने अपनी साधना को भी इस काव्य के रूप में मूर्तिमान कर दिया है। तो जो पहली स्टेज है
व्यक्तिगत आध्यात्मिक सिद्धि उससे अशुपति संतुष्ट नहीं है। उसका जो अगला चरण है वो ह्यूमन रेस, पूरी ह्यूमन रेस से है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और इस रूप में सत्ता के जो उच्चतर सोपान है, हायर स्टेजेस हैं एग्जिस्टेंस की, वो उनका अधिग्रहण कर परम शक्ति की ओर असेंट, उसकी असेंट होती है, उस ओर वो आरोहण करता है। तो ये दूसरी स्टेज जो है वो ये उसकी ये खोज है। और उन स्टेजेस को उस परम शक्ति की ओर जब आरोहण करता है तो उन स्टेजेस को वो अधिग्रहण कर लेता है। और ये उसका सेकेंड दूसरा रूपांतर है जिसको हम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कह चुके हैं। मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ एंड स्पिरिचुअल, ये तीसरा है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ये सब उपलब्धि है, इस उपलब्धि से मानवता का भला अभी भी नहीं होगा। अशुपद अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है, अंततः वो अपने लिए नहीं वरन अपने सबके लिए, सार्वभौमिक सिद्धि के लिए और नई सृष्टि के लिए, धरती पर भावी मानव के आगमन के लिए कर रहा है, तपस्या कर रहा है। ये जगत जननी के और यहाँ पर उसकी तपस्या, यहाँ के बाद उसका बस नहीं। ये जगत जननी के इस चरण में अशुपति दिव्य माता की आराधना करता है। शेरविंद लिखते हैं, देखिए यहाँ पर हम गीता के ऊपर, शेरविंद लिखते हैं कि वास सरेंडर वाज इज ओनली स्ट्रेंथ, केवल प्रशस्त समर्पण ही उसकी एकमात्र शक्ति थी। गीता का महावाक्य है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अष्टपति आर बहुत ही आर सर्व में माँ से कहता है, माँ मैं कैसे इस इन निश्वर दिवसों में संतुष्ट सुख से रहूंगा, कब तक हमारी अंतरात्माएं इस काल अंधरात से लड़ेंगी और यमराज की कराल दास्ता और पराजय को सहन करेंगी। इस तपस्या के फल स्वरूप सावित्री धरती पर अवतरित होती है मानवता की रक्षा के हेतु। ये है 18 साल की तपस्या का प्रतीक और उसके फल स्वरूप सावित्री का धरती पर अवतरण का कारण और प्रतीकात्मकता। इसके बाद दो और पात्र हैं, देवव्रत नारद और नत्थदेव। ये दोनों पात्र स्थूल शरीर रूपधारी नहीं है। शेरविन ने एक सावित्री में नारद को दिव्य प्रेम एवं ज्ञान की अभिव्यक्ति का प्रतीक और परमानंद के प्रेम विभोर गायक कहा की संज्ञा प्रदान की है। मृत देव को भी कोई इस तरह की चीज नहीं कहा जो बड़ी भयंकर है और काल, उसको भी उन्होंने कहा है ये भी चिरंतन प्रभु का ही प्रतापी अंधकार रूप है, डार्कनेस है, असत का पार्ट है। नारद का प्रार्पण उस समय होता है, विधि का विधान पर्व है, विधि का विधान जो पर्व है उसके 6 सर्ग हैं। सर्ग 1 में ये आते हैं और उसमें बहुत लंबा डायलॉग है मालवी से, जब ये सत्यवान सावित्री आकर बताती है अपने उसके संबंध में, चॉइस के संबंध में। तो नारद की उपस्थिति में सत्यवान का वर के रूप में चयन का जो निर्णय अपने पिता को सुनाती है, तो विधि का विधान का ये पर्व जो है सावित्री के महाकाव्य का केंद्रीय प्रकरण है। इसमें बड़ा भारी डिस्कशन होता है, मालवी जो इसकी माँ है सावित्री की, मालवी और श्री नारद के बीच में, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा प्रकरण है, अगर आप लोग कभी पढ़ें, केंद्रीय प्रकरण है। और ये प्रमुख पात नारद हैं इसके। वे ही पृथ्वी लोक में सत्यवान की मृत्यु की जो नियत का है उसका वचन वही प्रकट करते हैं, वही बताते हैं। सावित्री की मानव माँ मालती से उनका संसार संबंधी पहेलियां जितनी भी हैं वो बातें करती है, ब्रह्मांडीय विधान की भी बातें करती है,
जो दुख की समस्या है उस पर भी है, उस पर एक लंबा तात्विक वार्तालाप होता है। उसके बाद सर्दो के अंत में नारद सारी वार्ता के बाद अपने नित्य जो निज आनंद धाम है उसकी ओर वापस लौट जाते हैं। दूसरा पात्र है, मानव पात्र नहीं है, दत्तदेव। श्री अरविंद ने सावित्री के मृत्यु को देवता माने जाने वाला यम शब्द का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने डेथ का प्रयोग किया है। डायलॉग बिटवीन लव एंड डेथ, लव इज सावित्री एंड डेथ, यम शब्द का प्रयोग नहीं किया है। वेद में यम 12 आदित्यों में से एक विश्वान के पुत्र हैं। मृत्यु को एक ऐसी घोर निश्चेतना के रूप में चित्र किया है, इनकॉन्शियंट निश्चेतना, नथिंग एल्स, असत सत से असत की यात्रा में निश्चेतना। तो जिसके इस निश्चेतना से हमारा जो सकल ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है, वो इग्नोरेंस से, अज्ञान से दबी हुई। श्री अरविंद ने सावित्री में 17 ज्ञान किया है कि वो 7 अज्ञान कौन से हैं, और जो 7 फोल्ड नॉलेज क्या है उसका भी जिक्र किया है। वो कभी जब हम बातचीत आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। तो मृत्यु जो है वो एक इनकॉन्शियंट फैक्टर है, एक इनकॉन्शियंट का सारा ज्ञान दबा हुआ है, लेकिन ये भगवान की ही छाया है, उसका ही यंत्र है, जो मानव की यात्रा की जो आत्मा है उसको प्रकाश को पाने के लिए संघर्ष करने के लिए बाध्य करती है। शेरमिन ने जैसे कहा है, पेन इज द हैमर ऑफ गॉड्स, हमें जो दुख के क्षण मिलते हैं ये हैमर हैं। जिस तरह घोड़े को चाबुक लगाया जाता है भागने के लिए, उसी तरह हमारे लिए हैमर हैं। हमें दुख इसलिए मिलते हैं कि तब हम आगे बढ़ें अध्यात्म की दिशा में। अगर पेन ना आए, अगर सारे संसार के सुख मिलते रहें, तो शायद हम उस ओर सोचेंगे भी नहीं। तो ये जो मृत्युदेव है ये एक छाया यंत्र है, जो मानव की आत्मा को प्रकाश पाने के लिए संघर्ष करने के लिए बाध्य करता है। ये प्रभु की काला और संज्ञाहीन पक्ष है, ये अज्ञ महाशक्ति है, अथाह मिथ्या तत्व है, ये चिरंतन सत के मुख को ढकने वाला मुखौटा है। यानी जो ट्रुथ है, जो ट्रुथ है उसको ढके हुए है, ये उस पर एक आवरण है, और इस आवरण को ही बेध कर सत्य का मुख हमारे सम्मुख आएगा। जब प्रथम सृष्टि रचना हुई थी तो जीवन तत्व का सृजन हुआ था, यही जीवन तत्व उस समय एक एलिमेंट ऑफ फ्रीडम। तो जब ये मैं कभी बताऊंगा 4 तत्व कौन से सृजित हुए थे और वो कैसे टर्न हो गए, तो एक तत्व था जीवन का तत्व, और ये जो जीवन का तत्व था ये अहंकार के वशीभूत होकर मूल ये बदल गया था मौत में, अपने मूल स्रोत से जहां से ये उत्पन्न हुआ, जहां से ये पैदा हुआ, उससे इसका संपर्क कट गया, ये अहंकार के वशीभूत हो गया जीवन तत्व, और ये मृत्यु में बदल गया। और ये छाया है, और ये छाया सावित्री के ज्योत के प्रकाश में अंततः विलुप्त हो गई। जब सावित्री का एंड होता है तो उसमें यही बताया गया है कि जब ज्ञान का प्रकाश आया तो ये छाया विलुप्त हो गई, और इस प्रकार मृत्यु पर विजय प्राप्त हो गई। तो इस तरह से आप देखेंगे इस पूरी प्रतीकात्मकता को, कि भले ये अंग्रेजी में है महाकाव्य, लेकिन इसकी जो पंक्तियां हैं उसमें जो वैदिक ऋचाएं हैं, औपनिषदिक मंत्र हैं, उनकी गहराइयों की जो प्रतिध्वनि है वो स्पष्ट सुनाई देती। बस कठिनाई हमारे सामने ये है कि उनकी 21 वर्ष की जो बिगनिंग थी, सारे जीवन की पढ़ाई लिखाई, वो पूरी तरह से वेस्टर्न, पाश्चात, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच उसमें हुई थी। तो उन्होंने सारा का सारा ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा है, और उसमें लैटिन के शब्द भी हैं, ग्रीक लेटर्स भी हैं, और
फ्रेंच लेटर्स भी हैं, उन सारा का सारा समावेश है और इसलिए वो थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इसकी थोड़ी सी अंग्रेजी में गति है, अच्छी गति है और थोड़ा सा निषदों का, वेदों का ज्ञान है और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो कम से कम हम मानसिक रूप से तो कुछ ना कुछ तो ग्रहण कर सकते हैं। ये बात अलग है कि अनुभूतियों को पहुंच पाना वो संभव नहीं होगा। जिस तरह से शक्कर को मीठा कहा जाता है, लेकिन शक्कर को जब तक खाया न जाए तब तक मिठास का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह से वर्ड्स को तो हम जान सकते हैं, शब्दों को जान सकते हैं, मानसिक रूप से हम ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन गहराई में जाने के लिए तो बड़ी गहन साधना की आवश्यकता है। तो इस तरह ये है सावित्री का ए लीजेंड एंड ए सिंबल, जो उनका सावित्री का जो शीर्षक दिया है उन्होंने, ए लीजेंड एंड सिंबल, इसके विषय वस्तु पर बहुत गहराई से, थोड़ी भी गहराई से मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय है, वो कभी बात को देखा जाएगा। तो सावित्री इज ए लीजेंड एंड सिंबल, मैं नहीं जानता, मैं समय निकाल कर तो नहीं कर दिया मैंने, यहाँ पर इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी पेशेंस से मुझे सुना है। धन्यवाद आदरणीय पीएम शिक्षण साहब, आज आपने बहुत कठिन और महाकाव्य को अपने बड़े सरल शब्दों में हमको बताया, हम आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ग्रहण करना हमारा राइट है सक्सेना साहब से, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर अपने अध्ययन के क्रम में जो भी आपने स्वाध्याय बहुत बढ़िया किया है सर इनके सावित्री ग्रंथ का, और चूंकि हमने अध्ययन नहीं किया है तो इसमें क्या कुछ साधनात्मक गतिविधियों पर भी इन्होंने कुछ प्रकाश डाला है कि एक साधारण साधक को क्या करना चाहिए? सक्सेना साहब का माइक ऑफ है, तो सर माइक ऑन कर लें एक बार, सर माइक ऑन कर लें एक बार, आपका माइक बंद है, साउंड बंद है सक्सेना साहब, आपका साउंड बंद है, आपका माइक बंद है, बच्चे को कहे मोबाइल में माइक बना होगा सर, माइक को टच कर लें खाली, स्क्रीन पर माइक को टच कर लें खाली, स्क्रीन को टच करेंगे माइक है, कोई नहीं सर, कोई नहीं सर, हमारा प्रश्न इतना था कि चूंकि सावित्री हमने अध्ययन नहीं किया है तो सावित्री में महाअरविंदो ने क्या साधारण साधकों के लिए कोई उपाय बताया है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हम जड़ से चेतन में या चेतन से जड़ में, एक टोटल प्रोसेस जो आपने बताया है सिंबॉलिक वे में, तो इसके लिए क्या करना चाहिए एक साधारण साधक को, एक ले मैन अगर उस लेवल पे जाना चाहे तो कैसे जा सकता है? लास्ट में इस पथ की गहराइयों वो बहुत गहरे उतरे हैं, इतने लोग हैं, एक सर है ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड, सावित्री में ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड में उन्होंने तमाम लोगों की अंतर यात्रा की है, उसमें चेतना की गहराइयों में गए और उन्होंने उन कठिनाइयों का वर्णन किया है कि कितनी गहराइयां हैं उसमें, क्या क्या कठिनाइयां, उसका क्या स्वरूप है, और लास्ट में एक सामान्य साधक के लिए तीन बातें कही, बहुत सिंपल, कोई कठिनाई नहीं। पहला है अभीप्सा, एस्पिरेशन, दूसरा है रिजेक्शन ऑफ द नेगेटिव मूवमेंट्स, और तीसरा है कंप्लीट सरेंडर। आप अपने को ओपन रखिए पूरी तरह से, जितना आपका डीप सरेंडर होगा, जितनी आपकी ओपननेस होगी हार्ट एंड माइंड की, जितना आपका हार्ट एंड माइंड सिंपल होगा, जितना ग्रंथियों से दूर होगा, जितनी गहन आपकी अभीपता होगी, और आपकी साधना में जो नेगेटिव मूवमेंट्स आते हैं, ये ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो एक बड़ा पूरा का पूरा एक चर्चा हो जाएगी,
तो मैं नहीं, राइट सर, खाली जी 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 एस्पिरेशन रिजेक्शन एंड सरेंडर। सरेंडर के बारे में आप सब जानते हैं, गीता से भी जानते हैं। उन्होंने कहा है सुप्रामेंटल योग का पहला स्टेप और अंतिम सरेंडर है। भागवत बिल्कुल ठीक है सर। मन से, प्राण से, मन से जितना आपका अस्तित्व है उससे पूरी तरह से अपने को सरेंडर कर दीजिए, पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए और उसकी अनुकंपा की प्रतीक्षा कीजिए। जितना आपका प्रपोल्शन होगा, वर्षा हो रही है, ये कप पर डिपेंड करता है कि वो पानी कितना अपने अंदर ले पाता है। तो थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक है सर। तो हमारे सामने जो हम सारी जिंदगी में से गुजरते हैं तमाम स्थितियों से, हमारा मन, आप गीता में आपको मालूम है दैवी और भागवत संपत्तियों का जिक्र किया गया है, हमारे जीवन के बारे में क्या क्या कठिनाई आती है, तमाम तरह के योगों की बात की गई है, सबको आप सब जानते हैं। रिजेक्ट द नेगेटिव मूवमेंट्स ऑफ लाइफ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये सब नेगेटिव हैं, और जो हायर प्रिंसिपल है उसको साथ रखिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको ऊपर ले जाए। बस दीज आर द थ्री मेन इंग्रेडिएंट्स, एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर, जिसको उन्होंने आपके लिए, हमारे लिए रिकमेंड किया है। क्योंकि वो जानते हैं इसके बारे में बात होगी तो और डिटेल बात कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। और बताइए सिंह साहब, और किसी का कोई प्रश्न बनता हो तो फिर। जब संक्षेपना साहब ये कह रहे हैं कि वर्षा हो रही है, आपका बर्तन अगर उल्टा है तो कुछ नहीं मिलेगा, किसी पर चम्मच है तो उतना मिलेगा, बाल्टी है तो ज्यादा मिलेगा, टब है तो ज्यादा मिलेगा, डिपेंड करता है कि किसकी पात्रता कितनी कैसे है। तो अपने बारिश हो रही है बराबर। चलिए फिर, धन्यवाद दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, जो आपने अभी ब्रीफ किया है कि चूंकि परम पूज्य गुरुदेव भी महर्षि अरविंद के सानिध्य में गए भी थे और ढेर सारा जो ये कॉन्शियसनेस का, सुपर कॉन्शियसनेस का, सब कॉन्शियसनेस की पूरी फिलॉसफी वहां से ला करके और इतने सरल शब्दों में, क्योंकि हमने अध्ययन जो किया है परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य का किया है और अक्षरशः जो कुछ आपने अभी बताया टप पड़ती है और साधना करना उससे भी टप पड़ता है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने अक्षरशः सारी चीजों को इतना सिंप्लीफाई करके ला करके बता दिए हैं। पहला पॉइंट उन्होंने जो ये कहा है, संस्कृति का प्राण है, जिसके बारे में आपने काफी कवर किया है और परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं लिखा है कि जो गीता में सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ पुस्तकम अस्ति ही माध्यमेन च यस्यास्तम जीवनस्यात्र दर्शनम, जीवन के गूढ़ रहस्यों को पढ़ने के लिए हम त्रि ग्रंथ में आपने इन छह पात्रों की चर्चा किया है, सावित्री का, सत्यवान का, अश्वपति का, दुमत सेन का और नारद और धर्मराज, जो भी नाम महर्षि ने दिया है वो अपनी जगह है। तो ये छह पात्रों के माध्यम से और जीवन की जो यथार्थता को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये पूरी हमारी वैदिक फिलॉसफी प्राण है सर इसका, जो हम समझ पाए हैं कि चूंकि एको हम बहुश्यामी से पूरी सृष्टि की रचना हुई है और सृष्टि जब तक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन अद्वैत में नहीं हो जाता है, एको हम में समाहित नहीं हो जाता है, और यही पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है प्रसवन की और प्रतिप्रसवन की, चेतना से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और सृष्टि वापस चेतना में ही जाके समाहित होती है और वहीं पर जा करके अहम जगत्वा सकलम शून्यम व्योम समं सदा, यही पूरी फिलॉसफी है कि जब तक एक भी जड़ता रह जाएगी जिस भी स्वरूप में जड़ में है, तब तक एक ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा और ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही होना है, यही हमारी फिलॉसफी है। चाहे साइंस की फिलॉसफी इसको ले लें, चाहे स्पिरिचुअलिटी की पराकाष्ठा की फिलॉसफी ले लें, और परम पूज्य गुरुदेव ने इतने सरल शब्दों में इसको करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा,
और महर्षि मार्कंडे की जो अजर और अमर है और उन्हीं का कथानक जो सातवें मन्वंतर में आपने चर्चा किया था, और तैतरीय उपनिषद पर ही हमारी पूरी साधना जीवन की चल रही है, जिसके आपने चर्चा किया कि ब्रह्मानंद बल्ली में वहीं पर पंचकोश की फिलासफी और वही पंचकोश की फिलासफी ही गायत्री की साधना है, और कोई साधना गायत्री की नहीं गुरुदेव ने कराया। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की जो साधना कराई है सर, वो वहीं से लिया है, तैतरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद बल्ली से। ये पूरी सृष्टि आनंद से ही उत्पन्न हुई है और आनंद में ही समाहित हो रही है, हम रास्ते में हैं। तैतरीय उपनिषद सर, तैतरीय उपनिषद का ब्रह्मानंद बल्ली वहीं पर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की साधना एक साधारण साधन। इवन कुछ गुरुदेव ने ये लिखा है कि एक बालक, एक वृद्ध, एक नर, एक नारी, एक गृही, एक विराजी, सबके लिए अनिवार्य है और इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। हम लैंग्वेज कोई भी यूज कर लें सर, और बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने कहा है कि पहले अन्नमय को पूरा शरीर स्वस्थ होकर के एकदम मस्त हो जाना चाहिए, फिर अपने प्राण को, जो यहाँ पर आपने ज्ञान और क्रिया शक्ति की बात की है कि दोनों, एक आत्मक है तो दूसरा प्रकृत है, एक पुरुष है तो दूसरा प्रकृत है, एक ज्ञान है तो दूसरा शक्ति है, ये दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन और इंट्रैक्शन, यही हमारी प्रसवन और प्रसवन की क्रिया को संपादित कर रहा है, और यही पूरी साइंस इसको समझाने की पूज्य गुरुदेव ने पूरा सहारा लिया और हमारे अधिकांश मित्र जो है प्रतीकों में उलझ गए और उस चेतना को रिफाइन करने का काम ही छोड़ दिया। और अभी आपने बताया कि महर्षि अरबिंदो ने 12 बार अपनी चेतना को रिफाइन करके सावित्री में करेक्शन किया, फिलॉसफी सेम है लेकिन करेक्शन टाइम टू टाइम करना पड़ेगा और अंततः करना पड़ेगा जब तक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो जो कुछ भी आपने दिया सर, इसके अंदर सारी शिक्षा, गृहस्थी की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा, साइंस की शिक्षा, मॉरलिटी की शिक्षा, कि अगर सावित्री ने वर मांगा है तो पहला वर किसके लिए मांगना चाहिए, अपने ससुर के लिए मांगा है, दूसरा वर पिता के लिए मांगा है, तीसरा पति के लिए मांगा है। तो ये सिस्टम हमारा पूरा भारतीय दर्शन के रीढ़ को बताता है, और इतना बढ़िया जो आपने वक्तव्य दिया इन सब चीजों का सर, तो इसका अगर व्यवहारिक रूप से साधना किया जाए अक्षर से, तो हमारा जीवन अपने आप में इतना आनंदित हो जाएगा कि अथाह आनंद और अथाह शांति अपने आप मिल जाएगी सर, और पूरा का पूरा समाज धन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय पीएम शिक्षण साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमको किया। और शिक्षण साहब, हम लोग क्या ना खत्म होने के वक्त में विचार के साथ समाप्त करते हैं, तो आज हमारे नैब साहब ने शुरू कराया था ये विचार, तो आज का विचार है बेवजह दिल को ना भारी रखिए, बेवजह ना दिल को भारी ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है, जिंदगी जंग है, जंग को जारी रखिए, जिंदगी जंग है, जंग को जारी रखिए, कितने दिन जिएंगे, कितने दिन जिएंगे इसकी ना फिक्र कीजिए, कितने दिन जिएंगे इसकी ना फिक्र कीजिए, आज कैसे जिए बस इसकी सुमारी रखिए, आज कैसे जिए बस इसकी सुमारी रखिए। धन्यवाद, आइए आप तीन बार शाम संध्या वक्त अपना ओम का उच्चारण करते हुए अपना करें। शांतिरोषधयः शांति वन
शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा